दिल्ली यमुना नदी के जलस्तर में मामूली कमी। सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 208.42 मीटर दर्ज किया गया है। यमुना के जलस्तर में 0.24 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है। खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है यमुना। राजघाट पे बाढ़ के पानी से जल भराव है। बता दें कि अभी भी यमुना नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है। आईटीओ रेड लाइट तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। नोएडा गाजियाबाद से आईटीओ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर भी बंद कर दिया गया है। तो आलम यह है कि कई रास्ते बंद किए गए हैं, रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर जो है वो जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। कल भी काफी लंबी कतारें गाड़ियों की सड़कों पर नजर आई थी और अभी भी यमुना का जो जल स्तर है वो अपने सुरक्षा माप से ऊपर चल रहा है। आईटीओ के पास बाढ़ से जल भराव की स्थिति है, तो ऐसे में रूट डाइवर्ट किए गए हैं और नोएडा गाजियाबाद से आईटीओ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रास्ते जो डाइवर्ट किए गए हैं उसके बाद से लंबा जाम जो है गाड़ियों का कल भी देखने को मिला है, आज भी लंबा जाम जो है दिल्ली में लगा हुआ है क्योंकि रास्ते डाइवर्ट किए जा रहे हैं। कई रास्ते ऐसे हैं जो पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं, ऐसे में आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर भी बंद कर दिया गया है इसी के चलते और रूट जो है वहां से भी डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आईटीओ की तस्वीरें हैं और देखिए तस्वीरें इतनी खौफनाक जो है निकल कर आ रही हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आईटीओ बाजार, यमुना बाजार की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और पानी देखिए कितना हद तक यहां पर भरा हुआ है कि इंसानों के आधा इंसान जो है इस पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और लगातार यहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। लोग अपना सामान उठाकर इधर उधर जाने को मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, यहां पर तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक ऑटो फंस गया है, उसको निकालने की यहां पर कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ से बोट भी वहां से आती हुई नजर आ रही है। लोग इधर उधर जा रहे हैं, अपना आशियाना जो है इधर उधर कर रहे हैं, अपना सामान जो थोड़ा बहुत इनके पास बच गया है उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। सूखे स्थान पर लोग जाने को मजबूर हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और ऐसे में उनका सारा सामान जो है वो खराब हो चुका है और ये एक ऑटो वहां पर फंसा है जिसको निकाल कर लोग बाहर लेकर आ रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के हर तरफ इलाकों से ऐसी तस्वीरें निकल कर लगातार सामने आ रही हैं और राहत की कहीं पर कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है। हालांकि यमुना का जो जल स्तर है वो कुछ पॉइंट्स में जो है नीचे जरूर आया है। तो यही ये दिल्ली की वही सड़कें हैं जहां पर गाड़ियां अपनी तेज रफ्तार से चलती हैं, लेकिन आज इन्हीं सड़कों पर जो है बोट नजर आ रही है, नाव तैरती हुई नजर आ रही है इन्हीं सड़कों पर। और जो दिल्ली है वो पूरा झील एक बन चुका है, एक समुद्र जैसा अब नजर आने लगा है जहां पर लोग जो है कश्ती में बैठकर इधर से उधर जा रहे हैं। और यही वो सड़कें हैं जहां पर लगातार जो है गाड़ियां अपनी रफ्तार में अक्सर हमें देखने को मिलती हैं चलती हुई। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। बार बार हर जगह पर कैंप लगाए गए हैं, लोगों तक खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन दिल्ली अब दरिया बन चुकी है। वहां पर लोग नाव में बैठकर सवारी कर रहे हैं, नाव से इधर उधर जा रहे हैं और इससे पहले यहीं पर जो है गाड़ियां चलती थी। राजघाट का ये नज़ारा आप देखिए, पानी किस हद तक यहाँ पर भरा हुआ है। कोई कह नहीं सकता है कि यहाँ पर एक टाइम पर सड़कें थी, सड़कें नजर आ नहीं रही हैं, सिर्फ तालाब बना हुआ नजर आ रहा है, दरिया सिर्फ नजर आ रहा है। गेट आप देख सकते हैं किस कदर आधा डूब चुका है इस पानी में। यमुना का जलस्तर अब भी 208 मीटर के पार पर चल रहा है और राहत की कोई उम्मीद कहीं से नजर आ नहीं रही है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए सिविल लाइन से हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सिविल लाइन इलाके में मौजूद हैं और अभी भी यहाँ पर पानी का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है। करीब 5 फीट पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। यही वजह है कि जो लोग इन कोठियों में रह रहे हैं वो इस पानी से निकलकर दूध, बिस्किट और जो सब्जी है वो लेने जा रहे हैं और लगातार जो ये पानी है वो उनके घरों में अभी भी बना हुआ है। हालांकि पानी का जो स्तर है वो थोड़ा कम जरूर हुआ है,
लेकिन अभी भी पानी यहां पर बरकरार है। काफी रिहायशी इलाका है, काफी वीआईपी इलाका है ये। यहीं से चंद कदमों की दूरी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते हैं, यहीं से थोड़ी दूर पर दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना रहते हैं, यहां से थोड़ी ही दूर पर डीडीएमए का दफ्तर है। इसके अलावा यहाँ पर कई वीवीआईपी लोग रहते हैं, कई दिल्ली सरकार के मंत्री यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आप वाटर लेवल देख रहे होंगे, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ का भी जो जनजीवन है वो अस्त और व्यस्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो जनजीवन है वो प्रभावित होता हुआ इस बाढ़ की वजह से नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सिविल लाइन ही नहीं बल्कि आईटीओ का इलाका, रिंग रोड, यहाँ तक कि जो लाल किला का इलाका है वो भी बाढ़ प्रभावित हो चुका है। इसके अलावा कश्मीरी गेट, आईएसबीटी बस अड्डा, वहाँ पर भी पानी पहुँच चुका है। अगर हम बात करें तो निगम बोध घाट, जहाँ लोग क्रियाक्रम के लिए जाते हैं, अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके अलावा दिल्ली का जो यमुना बाजार का इलाका है वहाँ पर पूरी तरह से पानी पहुँच चुका है। घरों के अंदर करीब 3 से 4 फीट पानी पहुँच गया है। यही वजह है कि जो यमुना बाजार के निवासी हैं वो लोग घरों से बाहर निकलकर जो राहत कैंप बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, वहां पर रहने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा अगर हम यमुना खादर की बात करें तो यमुना खादर में करीब हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, जो झुग्गियां बना करके गाँव में रह रहे थे, वो झुग्गियां पूरी तरह से बह चुकी हैं। पूरा गाँव का गाँव पानी में लबालब डूब चुका है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, राहत बचाव का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाम को जो इंद्रप्रस्थ का ड्रेन नंबर 12 है उसका जो रेगुलेटर है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी पहुंच गया। हालांकि एक टेम्परेरी बांध बनाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से जो यमुना का पानी है वो अब बलराम शहर में आने बलराम से रुका कश्मीरी है। गेट का रुख हम कर लेते हैं। हमारे संवाददाता राजू राज कश्मीरी गेट पर इस वक्त मौजूद है। राजू, कश्मीरी गेट पर क्या हालात है? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कश्मीरी गेट इलाके की। यहाँ पर जो पूरा रास्ता है वो बिल्कुल जलमग्न है, गाड़ियां यहाँ पर नहीं चल रही है। बाकायदा यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। तमाम लोग हैं एनडीआरएफ की टीम जो पिछले 48 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू करा रहे हैं। तमाम लोग कितने घंटे से रेस्क्यू कर रहे हैं आप बताएं? रविया, मैंने बताया तो तमाम लोग हैं, यहाँ एनडीआरएफ की टीम है जो रेस्क्यू कराने में जुटी हुई है। और यहाँ पर जो रोड बने हुए हैं वो रोड बंद है। तमाम लोगों को यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में आ रहे हैं आप लोग, ये बताइए आप पहले उन्हें। हम लोग लोगों को दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे देखिए राजू, मीडिया का काम है जमीनी हकीकत को जनता के सामने लेकर आना, और वही मीडिया जो है कर भी रही है। जमीनी हकीकत को जनता के सामने अवेयरनेस के लिए लेकर आ रही है, जनता को दिखाया जा रहा है कि इस वक्त दिल्ली का हाल क्या है, कहां पर लोग फंसे हुए हैं, राहत कार्य कैसे चल रहा है। फिलहाल राजू आएंगे हम आपके पास, हम रुक कर लेते हैं अब सिविल लाइन का। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, क्या अपडेट है? तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं, सिविल लाइन से तस्वीरें हमने देखी हैं। उसके अलावा हम लोगों ने कश्मीरी गेट की तस्वीरें देखी हैं, वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग जो है बोट पर बैठकर इधर से उधर जा रहे हैं, और एक टाइम था जब इन्हीं सड़कों पर गाड़ियां चलती हुई नजर आती थी, लेकिन अब पानी से कोई राहत दिल्लीवासियों को मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्लीवासी इस वक्त मुश्किल में है क्योंकि हर तरफ जो है पानी नजर आ रहा है। राजघाट की तस्वीर आपके सामने है, और जल स्तर यमुना का थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, थोड़ी सी राहत यहां जरूर मिली है, लेकिन इतनी राहत भी यहां पर नहीं मिली है। आईटीओ की तस्वीरें आपके सामने है, राजघाट की तस्वीर आपके सामने है, यमुना का जलस्तर आप देख रहे हैं, यमुना किस कदर कितने उफान के साथ रोध रूप अपनाए हुए बहती हुई नजर आ रही है। और इसी यमुना में जो है
जहां से भी खेतों से होते हुए ये पानी आ रहा है वहां पर सब्जियां जो है यमुना में बहती हुई नजर आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी नजर आते हैं जब किनारे पर खड़े होकर यहां से सब्जियां निकाल रहे हैं और अपने जान को जोखिम में भी डालते हुए नजर आते हैं यमुना के किनारे पर। यमुना के आसपास जो लोग थे उन सबको दूर कर दिया गया है, सुरक्षित स्थान पर उन लोगों को भेज दिया गया है।